अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। सुबह मैंने मॉर्निंग से शुरू किया है। अब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ ताकि वो नमाज़ के लिए जाएँ तैयार। तो कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं यहाँ और मैंने हैंग कर दिए हैं। तो हस्बैंड मेरे शावर लेने गए हैं, शावर लेके आएंगे तो चेंज करेंगे। देखें जी, मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं। आपके लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता ले आए हैं मेरे हस्बैंड आते हुए, चने और नान। अब मैं शीर खुरमे की तैयारी कर रही हूँ, शीर खुरमा बना लूँगी। शीर खुरमा बनाने के साथ साथ ये बादाम जो मैंने काट के रखे हुए हैं, ये जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर मैं बादाम ऐड कर दूंगी इसमें। आप चाहेंगे तो, आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको अपलोड कर दूंगी। ये मैंने बारबेक्यू के लिए चिकन की बोटी करवाई है और ये मैं कोरमा बना लूँगी दोपहर के खाने के लिए। तो तैयारी करती हूँ। ये मैंने चाट के लिए आलू बॉयल कर रही हूँ। शीर खुरमा मेरे रेडी है, मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया और यहाँ टेबल पर रख दिया है। जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब देखें, सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी हैं। कबाब का मसाला भी रख दिया था और मैरिनेट किया था जिसको बारबेक्यू का, वो भी रख दिया है। अब मैं बीफ कौरमा बनाऊँगी दोपहर के खाने के लिए। मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। तो ये रेडी हो जाएगा, फिर हम खाएंगे। खाना खाने के बाद अब मैं अपने अब्बू से ईद मिलने के लिए अब्बू के घर जाऊंगी। तो इसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी तैयारी देख लें आप भी। मेरा एड्रेस लाइमलाइट से मैंने लिया था। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, उसके बाद अब्बू के घर जाती हूँ ईद मिलने। अब हम अब्बू के घर आए हैं और सेवैयाँ और चाट वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं और सारी बहनें और उनके बच्चे, सारी फैमिली हमारी अब्बू के घर इकट्ठी हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है, ईद हमारी बहुत मज़े की गुजर गई। अब हम डिनर करने लगे हैं और डिनर की मैंने वीडियो नहीं बनाई, पिक्स बनाए थे। तो इंशाल्लाह आपसे वही आपसे शेयर करूँगी और आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।